तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम उल हराम को वाकया आशूरा वकूह पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। जब तक मुख्तार जिंदा है ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मुख्तार को मार दो। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया। जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो तलवार पर हाथ रखना खता है। मैं जीतने की फिक्र करता हूँ, हार की नहीं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दूंगा। तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे कत्ल कर देंगे? तो फिर क्या हुआ? कुछ बोलो शिमर, क्या करें? मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। अबे चुप कर जा इलाके से पैदल। मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है।